Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in this video lecture we are going to discuss about the electrical wiring system. What are the different types of electrical wiring system and how they can be connected, that we are going to see in this video lecture. So types of wiring are mainly classified in this 5 types. In 5 type के अंदर हम wirings को classify कर सकते हैं. So first is cleat wiring, second is wood casting wiring, the third is CTS wiring or TRS wiring or batten wiring. जो लकड़े की पट्टी के ऊपर हम wiring करते हैं उसे हम बोलते हैं batten wiring. Fourth one is conduit wiring and the fifth is metal sheathed wiring or lead sheathed wiring. तो सबसे पहला जो टाइप हमें स्टडी करना है दैट इज अवर क्लीट वायरिंग. व्हाट इज क्लीट वायरिंग दैट वी विल सी दैट इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग वुड और प्लास्टिक क्लीट्स आर फिक्स्ड टू वॉल्स और सीलिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स. फॉर एग्जांपल इट इज 0.6 मीटर बिटवीन ईच क्लीट. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि हम जनरली वुड या मतलब लकड़े की या प्लास्टिक की क्लीट यूज करते हैं. क्लीट इज समथिंग लाइक दैट इट इज हैविंग वन केसिंग, एक जो है वो केस होगा और उसके ऊपर ढक्कन आएगा जिसे हम कैपिंग बोलते हैं. सो इट इज काइंड ऑफ दैट क्लीट. वी विल सी सम पिक्चर्स ऑल्सो दैट यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द क्लीट. पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स आर टेकन थ्रू द होल्स ऑफ ईच क्लीट. हर एक पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स जो है उनको एक क्लीट के अंदर से जो है वो पास किया जाएगा. ठीक है, क्लीट सपोर्ट एंड होल्ड वायर्स. क्लीट क्या करेगा, वायर्स को सपोर्ट देगा, होल्ड करेगा. ठीक है, दिस इज चीप मेथड, सस्ता भी पड़ता है एंड इज यूज्ड फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन. जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म की हमें ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए तब वहाँ पे इस तरीके का वायरिंग जो है वो प्रीफर किया जाता है. द नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर होम. घर के लिए ये सूटेबल नहीं है. इट इज़ आउटडेटेड मेथड्स. ये एक आउटडेटेड मेथड है जो अभी खास इतना यूज में नहीं है. ठीक है, सो दीज आर दी फोटोज. सी दिस इज क्लीट. ओके, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वायर्स उसके थ्रू हमने पास किए गए हैं. ठीक है, सो दीज आर दी क्लीट. इसे हम क्लीट बोलते हैं और यहाँ पे ये जो वायरिंग दिखाया गया है दिस इज वन काइंड ऑफ क्लीट वायरिंग. ठीक है, ये क्लीट वायरिंग है जिसके वायर्स आपको बाहर दिख रहे हैं और यहाँ पे बीच बीच में ही हमने क्लीट यहाँ पे लगाई हुई है. सो दिस इज माय क्लीट वायरिंग. सो इट कैन बी ऑफ पोर्सिलिन क्लीट ऑल्सो रादर देन ओनली प्लास्टिक और वुडन क्लीट्स. ठीक है, प्लास्टिक और वुडन के सिवाय जो पोर्सिलिन मतलब सिरामिक का भी बना हो सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज सी टी एस वायरिंग और टी आर एस वायरिंग. सो सी टी एस और टी आर एस और बैटन वायरिंग. ठीक है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, स्टिल वी आर अगेन डिस्कसिंग दिस थिंग. दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज ऑल्सो यूज फॉर हाउस वायरिंग एंड इज क्वाइट चीप. ये भी बहुत सस्ता है. ठीक है, केब टायर शीथड जिसे हम सी टी एस बोलते हैं और टफ रबर शीथड वायर इज नॉर्मली यूज एज कंडक्टर फॉर दिस वायरिंग. ठीक है, तो इस तरीके का जो मल्टीपल लेयर्स वाला वायरिंग रहता है, रबर शीथ उसके ऊपर बना रहता है, दिस काइंड ऑफ वायरिंग इज बीइंग टेकन. सो द नेक्स्ट इज सी टी एस वायरिंग और टी आर एस वायरिंग आर रन ऑन द टीक वुडन पैटर्न्स टू टीक वुडन बैटन्स. लकड़े की पट्टी के ऊपर हम इनको वायर्स को जो है वो लगा के पूरा जो वायरिंग है वो हम करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ वायरिंग वेर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वायरिंग. पहले जब घर जो पुराने हुआ करते थे तब इस तरीके का जो वायरिंग था वो हम यूज करते थे. उसमें स्विचेस भी काफ़ी बड़ी बड़ी आती थी. दे वर कंप्लीटली काइंड ऑफ स्मॉल वी कैन से दी कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर. That kind of switches were present there. So, which are fixed on the wall or the ceiling by means of screws and wooden plugs. ठीक है, इनको screws और wooden plugs से वहाँ पे connect किया जाता था.
and this kind of cables used are not much affected by chemicals, water and steam. ये steam, water या किसी भी चीज से ये affect नहीं करते थे, ठीक है? So that's why this kind of wires we are being used. Next, that wood casing wiring कैसे होता है, ठीक है? Wood casing wiring जो हमने बोला, तो वो क्या है? वो एक wooden, उसे भी हम बोलते हैं तो CTS और TRS वायरिंग ही है, but it is mostly constructed on the wooden battens, ठीक है? In this cable is run through a wood casing having grooves, ठीक है? The wood casing is required fixed length का जो है वो चाहिए होता है with parallel grooves मतलब screws जहाँ पे हम फिट करते हैं, ठीक है? That accommodates the cables. ठीक है, तो पहले क्या करना है, यू कैन फिक्स आउट दी वुडन बैटन एंड देन आफ्टर यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ स्क्रूज इन दैट केसिंग. वी विल सी वन पिक्चर आल्सो. सो आफ्टर प्लेसिंग दी केबल्स इनसाइड दी ग्रूव्स ऑफ केसिंग, अ वुडन कैप विथ ग्रूव्स इज प्लेस्ड ऑन इट टू कवर द केबल्स को कवर करने के लिए इस तरीके के जो ग्रूव्स होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो चीप वायरिंग सिस्टम. ये कैसा है? बहुत ही चीप है. देर इज अ हाई रिस्क ऑफ फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता है कि लकड़ा भी जो है वो जल्दी से आग पकड़ता है. सो दैट इज वाई इट इज नॉट सेफ. ओके, सी दिस इज काइंड ऑफ बटन वायरिंग. लकड़े की पट्टी के अंदर से ये पूरा जो है वो वायर पास किया जाता है. इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट दिस एवरीथिंग विल बी बर्नड आउट. ओके, तो ये एक काइंड ऑफ वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग भी बोल सकते हैं. ये अभी इस तरीके के केसिंग कैपिंग की जगह पे राइट नाउ पीवीसी टाइप ऑफ केसिंग कैपिंग आर यूज्ड. ठीक है, तो पीवीसी टाइप केसिंग कैपिंग जो है वो अभी हम यूज करने लगे हैं. शायद आपके घर में कहीं पे भी इस टाइप का वायरिंग भी आप देख सकोगे. सो द नेक्स्ट इज बैटन वायरिंग. बैटन इज नथिंग बट द वुड स्टिक एंड दैट वुड स्टिक हैविंग द रेक्टेंगुलर फॉर्म आर मोस्टली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग. ठीक है, इसके जैसे वायरिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव जस्ट पुट आउट दिस. यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो वुडन बैटन्स हैं, मतलब लकड़े की पट्टी होती है उसके ऊपर हम वायर को लगा के वहाँ से उसको पास करेंगे. एंड दिस टाइप ऑफ वायरिंग्स आर फिक्स्ड ऑन द सीलिंग और वॉल्स बाय प्लग्स एंड स्क्रूज. स्क्रू और प्लग से इनको यहाँ पे फिक्स किया जाता है. द केबल्स आर फिटेड ऑन टू द बैटन्स बाय यूजिंग टिंड ब्रास लिंक क्लिप्स. टिंड ब्रास लिंक क्लिप्स जो है उसको यूज करके हम बैटन वायरिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस क्लिप्स आर फिक्स्ड टू द बैटन्स विथ रस्ट रेजिस्टेंस नेल्स. दिस वायरिंग इंस्टॉलेशन इज सिंपल एंड चीप. ये कैसा है? सिंपल और चीप है. दिस सिस्टम टेक्स लेस टाइम टू इंस्टॉल. बहुत ही कम समय में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो. These are mainly used for indoor installations. Outdoor के लिए that is not suitable. Okay. The next is conduit wiring. Conduit wiring is the PVC pipes are being used and through that PVC pipes we can pass the cables from it. And this kind of conduit wiring must be mostly used in the majority homes. Now this kind of conduit cannot be seen directly in the house. But they are concealed inside the walls and we can say the ceilings. Okay, ceilings or walls के अंदर इनको install कर दिया जाता है जो बाहर से आप नहीं देख पाओगे. ठीक है, तो उस type का अगर wiring हो conduit wiring तो उसे हम concealed conduit wiring बोलते हैं. ठीक है, so PVC conduit pipes or through steel conduit pipes. ठीक है, this conduit wiring can be either surface conduit wiring or it should be in the concealed way. ठीक है, मतलब अगर आप इसको दिखाना नहीं चाहते वो pipes को बाहर से wall पे आपके घर की दीवारों पे या ceiling पे छत पे दिखाना नहीं चाहते, then it should be installed inside the slab and inside the walls. ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं. And this kind of wiring is called as the concealed wiring. If the conduits are run inside the surface of the walls and ceilings are covered with
प्लास्टरिंग इट इज कॉल्ड एज कंड्यूट वायरिंग, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया. सो सरफेस कंड्यूट वायरिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. अगर आप इसको दिखा के सरफेस के ऊपर लगा के पूरा इंस्टॉल करते हो, देन दिस काइंड ऑफ वायरिंग आर मोस्टली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. ओके, टू कनेक्ट द हैवी मोटर्स, हैवी मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस टाइप का वायरिंग जो है वो जनरली यूज किया जाता है. कंसील्ड वायरिंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड ऑफ वायरिंग द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर इस टाइप का वायरिंग जो है वो आप देख पाओगे. सो दिस मेथड इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ वायरिंग एंड ऑल्सो लुक ब्यूटिफुल, अच्छा भी लगता है और सेफ भी है, ठीक है. सो इट इज मोर ऑफनली यूज इन दी नाउ नावाडेज दिस टाइप ऑफ वायरिंग आर मोस्टली यूज एवरीवेयर. Either it is from the conduit concealed or either they are in the form of conduit wiring only. That is surface conduit wiring. So advantages, conduit provides a protection against mechanical injury and a fire is shock proof. ठीक है, conduit provides protection against chemical, chemical के against भी protection देता है. The whole system is waterproof. Conductors are safety secured from moisture and this wiring has far better look. It has a longer life, lumbi life hai, theek hai. The next is, this is the conduit wiring examples and photos. So you can see them, see like this way it is being done. See, this is a CTS or TRS wiring, theek hai, jise hum bolte hain CTS or TRS wiring. The next is metal sheathed wiring or lead sheet wiring. The metal sheath is provided over the insulated conductor in order to protect system from mechanical injury, dampness and atmospheric action. Same as CTS wiring system, cables are run on wooden battens and are fixed with the help of tinned link clips. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेटल शीट को, मेटल शीट वाला जो है वो वायरिंग हम यूज करते हैं, मतलब इसके ऊपर एक झाली टाइप जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है एंड दिस कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, डैम्पनेस एंड एटमॉस्फेरिक एक्शंस. अगर कोई भी मैकेनिकल चेंजेस आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये वायर को कोई अफेक्ट ना कर पाए, दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ वायरिंग आर बींग यूज्ड. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, इसको अगर आप ड्राइंग बना के अगर आप वायरिंग करें देन यू विल बी फील ईजी टू इंस्टॉल दी वायरिंग. ओके, तो ड्राइंग्स जो हैं वो कैसे बनते हैं एंड देर इज अ सम काइंड ऑफ स्मॉल पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सो द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, मोस्टली दे आर सिंगल लाइन डायग्राम और वी कैन से दी इट इज इन दी मल्टीपल लाइन्स डायग्राम. We will see a different complete lecture on the drawing only, but right now we are just introducing these things that electrical drawings plays an important role in an electrical installation works, that they convey information about connection of various devices and equipments with mains. So it provides the complete information and also helps to assemble the various equipments. तो ये जो है वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए पहले ही मैंने बताया, इट इज़ वेरी मच यूजफुल. सो द ब्लॉक डायग्राम मोस्टली कैन बी सीन लाइक दिस वे, दैट दिस इज फ्यूज, थ्री SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस, लैम्प, फैन विथ डिमर एंड मोटर. सो नॉट गिव एनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लीव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉलर कंपोनेंट्स. ठीक है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है that is the one way to produce or we can say the demonstrate the wiring, but it cannot give you the complete detail. सारी details नहीं आपको बता रहा है, छोटे छोटे equipments हैं उनको कैसे लगाना है वो आप इसके अंदर नहीं देख पाओगे. The second is that is line wiring, line diagram. यहाँ पर आप देख सकते हो कि each and every details are shown in this figure. It's a simplified notation of an electrical system called as one line diagram or single line diagram. इसे हम SLD भी बोलते हैं for the short form. The line diagram is derived from the block diagram only.
and it consists of symbols to represent the components, lines to represent the wires or conductors which connects the component together. Component ko ek saath jo hai wo yahan pe connect karta hai aur demonstrate karta hai har ek jo equipment wahan pe rahega usko. The circuit drawing can be also done. So circuit ko drawing kaise karna hai? So this is the circuit layout. See, this is my room. I want to put this this much of plugs and fans and tube lights over here. See, this is fluorescent lamp, duplex light or electrical panel. So humne yahan pe alag alag jo hai wo symbols leke unko demonstrate kiya hai. See, I want this kind of wiring. Then I can show it like this way also for the means of that particular room. ओके एक रूम के लिए हमें अगर करना है देन आई कैन शो द एसएलडी और वी कैन सी द सर्किट डायग्राम लाइक दिस वे. सो वायरिंग डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट शोज द वायरिंग बिटवीन पार्ट्स और एलिमेंट्स. तो वायरिंग डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है जो हमें फ्यूज वगैरह सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडीटी स्विचेस या तो वायर्स ये सभी के बारे में जो है वो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वायरिंग डायग्राम फॉर एनी पर्पस और वी कैन से दी फॉर एनी रूम पर्टिकुलर. सो मोस्टली द वायरिंग कलर्स आर बीइंग यूज्ड इन द इंडिया यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर कंट्रीज लाइक दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थ्री फेज सिस्टम in terms of red, yellow and blue wires, that is RYB system. ठीक है, तो इस तरीके से तीन जो color coding है उसके मुताबिक ये use होता है. ठीक है, insulation जो है उसका भी specific है और black जो है वो रहता है हमारा earthing के लिए. पहले कौन सा थे, तो इस तरीके के जो wires थे they are previously used. ठीक है, but right now this system is more useful and adapted widely. ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्लियर आइडिया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द वायरिंग अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग डायग्राम्स, हाउ दे कैन बी ड्रोन एंड एट्सेट्रा. सो इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन यू शुड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.